दानव आए, खाना बढ़िया रखा हुआ था, भूख लगी ही थी। बोले खाना तो है लेकिन यहां से हाथ नहीं मुड़ना है, यहां से ऐसे मुड़ना नहीं है, यहां बांध दिया गया लकड़ी। अब वो मुड़ नहीं पा रहे थे, भूख लगी थी तो खाना उठा रहे थे, लेकिन अब हाथ मुंह में जाए कैसे, ऐसे डाले तो कहीं नाक में गिरे कहीं आंख में गिरे। बहुत गुस्सा है वो दानव कि पहले मौका मिला भी तो ऐसा दिया कि भूख लगी है खा नहीं पा रहे, तो खा तो कुछ नहीं पाए, इतना सारा खाना उनके कपड़ों में गिर गया कि हो गया गए धोए। बोले बड़ी समस्या है। बोले अब देखते हैं देवता कैसे खाते हैं। तो बोले तेज से बांधना जिससे उनका भी हाथ ना मुड़े, असमानता ना होने पाए। बोले ठीक है। अब जब देवता आए तो उनके साथ भी वही स्थिति थी, नहीं खा पा रहे थे। तो उन्होंने कहा दूसरे देवता को कि तुम मेरे सामने आ जाओ, तो वो हाथ उठाए उसके मुंह में डाल दिए, उधर वाले देवता ने इनके मुंह में डाल दिया, सब खा लिए। दानों जो बैठे थे वो सर पटकने लगे, ये हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया। तो विष्णु भगवान ने कहा कि देवता और दानों में केवल इतना ही अंतर है, अगर दानों, अब पिछले से सुनिएगा, दानों वो है जो केवल और केवल अपना स्वार्थ देखे। आपने ये सोचा ही नहीं कि अगर मैं नहीं खा पा रहा तो कम से कम दूसरे को तो खिला दूं। और देव वो है जो अपने से ज्यादा दूसरे की चिंता करे। उन्होंने दूसरों की चिंता की कि मैं नहीं खा पा रहा हूं तो कम से कम इसे खिला दूं। तो जब उसने उसे खिलाया तो उसको भी लगा कि मैं नहीं खा सकता तो मैं इसे ही खिला दूं, तो उसका भी पेट भर गया, आपका भी दूसरे का भी पेट भर गया। तो देव और दानों में इतना ही अंतर है, जो परोपकार सोचे, जो सामाजिक उत्थान सोचे, जो दूसरे का भला सोचे वही देव, वही महामानव, और जो केवल अपना हित सोचे, अपने स्वार्थ के बारे में सोचे वही दानव।